नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल। आज प्रदेश का हर वर्ग भाजपा सरकार से दुखी है। भाजपा ने ना सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि सामाजिक तौर पर भी लोगों को बर्बाद किया है। भाजपा सरकार ने प्रदेश के सामाजिक भाईचारा खत्म कर दिया है। ये बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने हिसार में शुरू हुए कांग्रेस के 2 दिवसीय मंथन शिविर के शुरुआत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। तंवर ने कहा कि ये मंथन शिविर कांग्रेस की मजबूती और आगामी चुनाव रणनीति बनाने के लिए आयोजित किया गया है। यह शिविर 2 दिन तक चलेगा और उसके बाद 12 तारीख को रोहतक के अंदर हमारी मंथन सभा होगी। मंथन शिविर है और ये मंथन शिविर हमने पूरे हरियाणा को हर अलग अलग इसको 3 जोन में विभाजित किया था। पहला गुरुग्राम के अंदर हमारा 3 दिवसीय मंथन शिविर हुआ, उसके बाद पंचकुला के अंदर हमने किया और अब ये तीसरा मंथन शिविर आज यहाँ पर शुरुआत हुई है। ये 2 दिन चलेगा और इसके बाद 12 तारीख को रोहतक के अंदर हमारी मंथन सभा होगी और मंथन सभा के अंदर पूरे अगले 1 सवा साल का कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस कैसी हो, सरकार आने पर हरियाणा कैसा हो, वो सारी रूपरेखा हम तैयार करेंगे। वहीं शहर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मौजूद होने के बावजूद मंथन शिविर में नहीं पहुंचने पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद उन्होंने सब कुछ पहले ही सीख लिया है और उन्हें इस शिविर में भाग लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई है। हमने ऑफिस से सबको इतला करवाई है, जो साथी कांग्रेस की मजबूती के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं उनका सबका स्वागत इसमें है और सभी साथियों को बुलाया गया। इनडिसिप्लिन मानते हैं उसको? कोई इनडिसिप्लिन की कोई बात नहीं, अपने अपने वो जरूरत होती है, हो सकता है उनको सुझाव देने की जरूरत ही ना महसूस हो रही हो, सुझाव ही ना हो उनके पास। तो शहर में होने के बावजूद और यहाँ नहीं आ रहे, तो वो इंडिसिप्लिन नहीं? नहीं, कोई वैसी बात नहीं है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि होंगे कोई नहीं, जहाँ भी जिसको आना है उसके लिए कांग्रेस भवन है, सबके खुले दरवाजे हैं, सब आए और अपने सहयोग। तंवर ने सरकार पर सरकारी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। देखिए, जो भी किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ यहाँ यानी पूरे देश के अंदर भी अगर कोई राजनीतिक दुर्भावना के साथ पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार प्रदेश की हो चाहे केंद्रीय जो इस तरह की एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करेगी तो कांग्रेस पार्टी उस हर कार्यकर्ता को संरक्षण देगी। हिसार से एंटी नेशनल के लिए परवीन कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एंटी नेशनल, खबर वही जो हो सही।